आपको बता रही हूं, अगर आप परमेश्वर के हो, प्रभु ने आपको चुना है, अपना बेटा और बेटी बनाया है, शैतान आपके लिए कितनी भी युक्तियां क्यों ना गढ़ ले, वो आपके ऊपर कभी भी विजयी नहीं हो सकता। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। तो शिमशोन जीवन भर उसने एक विजयी जीवन जीना था, जीवन भर कोई भी शत्रु उस पर विजय हासिल नहीं कर सकता था, और उसका नाम सारे देशों में फैल चुका था, और उसके दुश्मन ढूंढते थे कि उसकी सामर्थ, उसकी शक्ति कहाँ छुपी हुई है। हालेलुया। और उसके दुश्मनों के पास, देशों देशों के पास भी उसका कोई भी तोड़ नहीं था। हालेलुया। और वो हैरान होते थे कि एक अकेला व्यक्ति इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। वो जानते थे कि इसका परमेश्वर इसके साथ है और उसी ने इसको सामर्थ दी है, लेकिन वो उसकी शक्ति के का जो राज था उसको पता करना चाहते थे। इसलिए उसके शत्रुओं ने एक औरत को तैयार किया जो एक वेश्या थी, ताकि वो शिमशोन के पास जाए और उसको अपनी बातों में, अपने चुंगल में फंसा के उससे उसकी जो शक्ति का राज था, उसकी जो ताकत का राज था, वो पता करे और उसको हम नाश कर दें। हालेलुया। आप जानते हैं, मसीह लोग भी शिमशोन के समान ताकतवर हैं। शिमशोन के समान शैतान आपको हरा नहीं सकता, गिरा नहीं सकता, अगर आप प्रभु के बताए हुए वचन के अंदर हैं। लेकिन कब ये चीजें, कब, इसीलिए शैतान हमेशा आपकी लाइफ में वीक पॉइंट ढूंढता है, और वो आपकी जो सामर्थ्य का राज है उसको पता करता है, देखता है, अरे क्या इसकी सेवा जो है, ये इसका सामर्थ्य का राज है, इसकी ताकत का राज है, इसकी सेवा कट ऑफ करो। उसको पता है इसकी रेगुलरिटी चर्च में जाने की, इसकी सामर्थ्य का, इसकी ताकत का राज है, इसको कट करो। उसको पता है इसका बोना, इसका देने वाला हार्ट जो है, वही इसकी उसकी ताकत है, इसको कट करो। कोई भी चीज, एक व्यक्ति को पता है ये व्यक्ति प्रेयर में बहुत सामर्थ्य है, ये कुछ भी हो जाए अपनी प्रेयर नहीं छोड़ता, उसको पता है ये प्रेयर करना, इस ये आदत ही इसकी ताकत है, वो उसको कट करेगा। उसको पता है ये व्यक्ति प्रभु की आराधना करता है आत्मा से भर के, इसको होश नहीं रहता दो दो घंटे, इसकी जो ये आराधना करने की आदत है यही इसकी ताकत है, वो उसको कट करेगा। जो भी आपकी ताकत है, जिस चीज के कारण शैतान आपको छू नहीं सकता, वो सबसे पहले उस चीज को पता करता है। हालेलुया। तो उसने, उसके दुश्मनों ने दलीला को, जो एक वेश्या थी, उसके पास भेजा, और बाइबल में लिखा है शिमशोन उस वेश्या के प्रेम में पड़ गया, और बाइबल में लिखा है वो भूल चुका था कि वो प्रभु का अभिषिक्त थे, वो ज्यादा समय प्रभु की हजूरी से ज्यादा उस वेश्या के साथ बिताता था। और जब आप परमेश्वर से अधिक अपना समय कहीं भी दे रहे हो, एक दिन उस चीज के कारण आप गिरोगे। हालेलुया। आपको लग रहा है कि मैं अपना समय आज प्रभु की हजूरी से भाग कर मैं कहीं बिता रहा हूं, और आपको लग रहा है ये आपका बेनिफिट है, अरे ये तो मेरे, मैं पैसे कमा रहा हूं यहां पर, मैं तो ये कर रहा हूं, और आप प्रभु की वचन को, उसके समय को इग्नोर कर रहे हो। एक दिन उसी चीज के कारण आप बहुत नीचे जाओगे। हालेलुया। अभी शिमशोन अपना समय किसके, प्रभु ने क्यों चुना था, कि ये मेरे लोगों की रक्षा करे उनके दुश्मनों से, लेकिन अब वो मकसद भूल के अपना जो समय था वो उस वेश्या के साथ बिता रहा था। हालेलुया। और क्या हुआ, एक दिन वो, और शिमशोन ये बात जान भी चुका था
कि इस औरत को मेरे शत्रुओं ने भेजा है। मैं आपको बता रही हूं, जब आप कुछ चीजों में लिप्त हो जाते हो, कुछ चीजों में आप भरमाए जाते हो, फिर आपको पता भी लग जाता है कि ये चीज गलत है, पर आप को आदत हो जाती है, आप हटते नहीं। आप कहते कोई अब मैं नहीं छोड़ सकता, अब मैं नहीं ये कर सकता। आपको पता होता है कि ये गलत है, आपको पता चल जाता है, पवित्र आत्मा आपको बता देता, पर आप मानने के लिए तैयार नहीं होते, आप पीछे मुड़ने के लिए तैयार नहीं होते, आप चीजों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, और उसका रिजल्ट जो होता है वो बहुत भयानक होता है। शिमशोन से उस औरत ने पूछा, कहती क्या तू मुझे प्यार नहीं करता? उसने कहा करता हूं। बोली तेरा राज क्या, तेरी ताकत का मुझे बता। उसने एक बार झूठ बोला, उसने बोला मेरी ताकत मेरे पैरों में है, उसने शत्रुओं को बता दिया, शत्रुओं ने आके उसके पैर बांध दिए, लेकिन वो एक मिनट में उठा और उसने सबको मार दिया। उसने बोला मेरी ताकत मेरी बाजुओं में है, अगर कोई मुझे सात तांत की रस्सी से बांधे तो मेरी ताकत खत्म हो जाएगा। शत्रुओं ने ऐसा ही किया, उस औरत ने शत्रुओं को बताया, शत्रुओं ने ऐसा किया, लेकिन उसके बाद भी जो मोटी मोटी रस्सियां थी उसने ऐसे तोड़ दी जैसे धागा तोड़ते हैं। और उसने वो फिर कहती नहीं नहीं तू मुझे प्यार नहीं करता, तूने मुझसे झूठ बोला है, दो बार तीन बार तूने मुझसे झूठ बोला है। और वो कहते जबरदस्ती बहुत उसको दबाने लगी, और मैं बोल रही हूँ पाप की आदत, एक दिन आप गिर जाते हो, और एक दिन जब वो ज्यादा ही उसके पीछे पड़ गई, उसको इमोशनली, हमेशा पाप जो होता है इमोशनली आता आपकी लाइफ में, इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ अपने इमोशन किसी को मत दो, अपनी भावनाएं किसी के साथ मत ऐसा करो कि वो व्यक्ति आपको नचाए गलत चीजों में। और हमेशा खासकर हमेशा लोग जब भी फंसते हैं वो भावनाओं, जितने भी पाप है 99% पाप भावनाओं में बहकर इंसान करता है, फीलिंग्स में बहकर इंसान करता है, हाय बेचारा, हाय बेचारी, हाय ये, समझ रहे हैं आप? तो जो शैतान है उसके लिए एक हथियार है आपकी भावनाएं, आपके इमोशन। कभी भी किसी के इमोशन पे मत जाओ, उसके काम देखो। हाँ, आज व्यक्ति सारा गलत करके भी रो रहा है, वो अपने गलतियों को नहीं बता रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो रो रहा है कि आज मैं दुखी हूं, लेकिन क्यों दुखी है? तूने कुछ किया ऐसा इसलिए तू रो रहा है। यहां पे हम वो कन्फेशन नहीं करते पर हम विचारे बन जाते हैं। और यहां पर हम देखते हैं जब उस औरत ने ज्यादा दबाया उसको, उस पर प्रेशर डाला, उसने उगल दिया, बोला मेरी ताकत मेरे बालों में है। और इस बार उसने सच बोल दिया। कहते ना शैतान नु उंगली फड़ाओ तो बांह फड़दा, बांह फड़ाओ तो मोटा फड़दा है, फिर वो पूरा ही फड़ लगदा। इसलिए छोटी छोटी बातों में अगर आप अलर्ट नहीं हो, जहां पे छोटे समझौते आप करने लग जाते हो, समझ लो तुम्हारी मंजिल तक शैतान तुम्हें कभी नहीं पहुंचने देगा। इसीलिए छोटी बातों में वफादार, इसी प्रभु ने क्या बोला, जो थोड़े में वफादार है मैं उसको बड़ी चीजों का अधिकारी बनाऊंगा। अगर आप छोटी बातों में वफादार नहीं है, आपको कुछ बोला जा रहा है कि ये नहीं करना, आपको कुछ आप बोल रहे हैं कुछ नहीं, आप मान ही नहीं रहे, प्रभु कहता है तुझे मैं कभी भी बड़ी चीजों के अधिकारी नहीं बना। जब तू थोड़े में, अगर आप 100 रुपए में वफादार नहीं हो, 100 रुपए में आप कुंडी लगा रहे हो, तो आपको प्रभु 1,00,000 नहीं देने वाला। उसको पता है इसने 1,00,000 में तो पता ही है क्या करना, आधा ही रख लेगा। अगर आप 100 रुपए में वफादार हो, परमेश्वर आपको 1,000 देगा। आप 1,000 में वफादार रहोगे, प्रभु आपको 1,00,000 देगा। आप 1,00,000 में वफादार रहोगे, प्रभु आपको करोड़ों का मालिक बनाएगा। वफादारी, प्रभु वफादारी देखता है, विश्वास योग्य देखता है, पैसा नहीं देखता, व्यक्ति नहीं, प्रभु सिर्फ विश्वास योग्यता देखता है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है जब उसने बताया कि मेरी ताकत मेरे बालों में है, और उसने शत्रुओं को बताया और उसको अपनी गोदी में लिया,
प्यार से सहला रही थी, उसको लग रहा था ये मुझे प्यार कर रही है, हाँ। और उसने क्या किया, फट उसका सिर दबा के फटाफट बाल काट दिए, और उसी समय उसको कैद कर लिया गया। और उसके बाद उसकी आंखें गरम सलाखों से शिमशोन की आंखें फोड़ दी गईं, और उसके बाद उसको जेल में डाल दिया। वहां पर वो चक्की पीसता था, बड़ा एक चक्की हुआ करती, एक बड़ी सारी चक्की आटा पीसने की, वो उसको घुमाता था जेल में अंधा। अभी अब सोचो ये सारी चीजें शिमशोन के साथ किसने की, दुश्मनों ने की गलती थी या प्रभु की गलती थी या शिमशोन की गलती थी, बताइए हाँ किसकी गलती थी इसमें, तीनों इस एक बात में, हाँ शिमशोन की गलती थी। समझ आ रही है आपको, दुश्मन तो रहेंगे हमेशा, शैतान तो हमेशा रहेगा आपके पीछे, पर आपको पता है आपकी सुरक्षा कहां पर है, आपको पता है आपका सुरक्षा जोन कहां पर है। अगर आप उसको तोड़ के बाहर जाएंगे तो फिर आप प्रभु को नहीं कह सकते कुछ। आज लोग क्या करते हैं, गलती खुद करते हैं, पाप खुद करते हैं, फिर जब विपत्ति आती है तो कहते हैं प्रभु ने कर दिया, हम तो चर्च आते थे पास्टर जी फिर कैसा क्यों हुआ, ये नहीं बताएंगे कि क्यों हुआ, कौन सा लालच, कौन सी चीजें मैं करके आया हूं। प्रभु न्यायी है, वो कभी भी हमारे साथ हमें धोखा नहीं दे सकता। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर क्या चाहता, हम दुश्मन को दुश्मन समझे, पर शिमशोन क्या कर रहा है, दुश्मन की भेजी हुई एक वेश्या के साथ सो रहा। आप शैतान की चीजों को इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने फायदे के लिए, एक दिन वो आपको लपेट लेगा सब। आप प्रभु के हो, आपको 100% प्रभु का रहना पड़ेगा, आप 1% चीज भी शैतान के राज्य से नहीं ले सकते। हालेलुया। आपको प्रभु के वचन में रह के ब्लेसिंग मिलेगी, ये उसका वायदा है, लेकिन आप सोच रहे हो अगर वचन से बाहर जाके मेरे लिए कोई आशीष है तो कुछ नहीं है, बर्बादी है। आशीष प्रभु देगा कि शैतान देगा हमें, प्रभु देगा। वो कब देगा, जब हम विश्वास योग्य रहेंगे, जब हम वचन पे चलेंगे। हालेलुया हालेलुया। शैतान कभी नहीं चाहता कि आप अपनी मंजिल को पाएं, वो डेस्टिनी डिस्ट्रॉयर है, वो आपकी मंजिल को नाश करने वाला है। शिमशोन की लाइफ में जीवन भर कोई भी उसके ऊपर विजय हासिल नहीं कर सकता था। मैं आपको बता रही हूं, जितने 99% जो पाप है वो इमोशन में होते, बुरा मानना, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे डांट दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, जितने बुराइयां हैं वो पाप के कारण। कभी भी अपने इमोशन को, बाइबल में एक जगह पर लिखा है नीति वचन 23:13, लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, हाँ। क्योंकि यदि तो उसको छड़ी से मारे तो वो ना मरेगा, तो उसको छड़ी से मार कर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर, लड़के की ताड़ना ना छोड़ना। लड़के किसको लिखा है प्रभु ने, लड़के कौन, प्रभु के बच्चे, प्रभु के, हम कौन है, प्रभु की संतान है। तो प्रभु यहां पे अपनी संतानों के विषय में क्या लिख रहा है, लड़के की ताड़ना ना छोड़ना। यहां पे लड़के लिखा तो ये नहीं सोच सकते कि लड़कियों के लिए नहीं, यहां पे एक वचन है, ये वचन सबके लिए है। तो यहां पे लिखा लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, ताड़ना समझते हैं, हाँ, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वो ना मरेगा। तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक अर्थात नरक से बचाएगा। हालेलुया हालेलुया। जब आज जब वचन दिया जाता है, बहुतों को तकलीफ होती है,
ताड़ना होती है, वचन चुभता है कई बार, करते रहना, क्योंकि जब तू उसे छड़ी से मारे तो वो मरेगा नहीं, लेकिन तू उसका प्राण नरक से बचा लेगा। हालेलुया, कितनों को समझ में आ रही है। जब ताड़ना होती है, लिखा है कि जो पुत्र डांट से बैर रखता है वो नाश हो जाता है, पर जो अपने बाप की डांट को सुनता है और मन फिराता है वो बुद्धिमान हो जाता है। हम कहते हैं ना, बचपन में हमारे बड़ी मार पड़ी है, हमारे पिता ने हमें छड़ी से मारा, इसीलिए हम सीधे आज। बचपन की मार हमेशा आपको याद रहती है, और वो जो मार होती है वही आपको सही रखती है। अगर बचपन में चोरी करने के कारण आपको डंडे पड़े हों तो जिंदगी में चोरी का विचार नहीं आएगा आपके जीवन में। अगर बचपन में किसी भी कारण से पता है कि आपने किसी के साथ गलत किया, किसी को गाली दी, और दो चार बार आपके छड़ी पड़ी हो, तो जिंदगी में आपके मुंह से गाली नहीं निकलेगी, क्योंकि पता है कि क्या सजा हमें मिली थी उसकी। क्योंकि ये आपको पता लग जाता है, ये रॉन्ग है, ये गलत है, ये नहीं करना। फिर आपका ध्यान जिंदगी भर, आप कितने बड़े हो जाएं, उस बात से आप चूकते नहीं हैं। इसीलिए लिखा यहां पर, लड़के की ताड़ना करना। बचपन में तो खूब लाड़ प्यार करा, हाँ, गालियां दिलवाई, फिल्मी गाने सुने बच्चों से। जब बच्चे हो गए बड़े, अभी वो सुनते नहीं है, वो अपने मन की करते हैं, तो बोलते पास्टर जी प्रार्थना कर दो। अब तो वो व्यक्ति को खुद ही समझ आए तो आए, लेकिन बचपन में अगर उसकी ताड़ना हुई हो। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि लड़के की ताड़ना करना ना छोड़ना जब तक वो सुधर ना जाए। छड़ी से तू जब उसको मारेगा तो मरेगा नहीं। कितनी छड़ियां लगी हैं बचपन में, लगी है बचपन में, टीचर से भी लगी है, माँ बाप से भी। कितना पिटते थे, मेरे को याद है, अगर हमारे बचपन में जब क्या होता, जब स्कूल जाते थे तो आजकल के पेरेंट्स तो लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं अगर टीचर मार दे। हमारा उल्टा था, हमें तो मम्मी बोलने जाती थी ना पढ़े ना, तो उल्टा हाथ में जो करना है करना, और मारना और पीटना इनको, उल्टा बोल के आते थे। और पहले सीधे हाथ में नहीं, उल्टा हाथ करके मारती थी मैडम। तो एक बार जो चीज बोल दी याद हो जाती थी अच्छे से। तो जो ताड़ना थी ना अच्छी थी। आजकल के पेरेंट्स देखो, टीचर जरा सा कुछ कहते पूरी कंप्लेन लेके चले जाते हैं। इसलिए आजकल टीचर भी कुछ कहते नहीं है, बोलते हम क्यों पंगा लें, बोले हमारी ही कंप्लेन हो जाएगी, तो वो भी कुछ नहीं कहते। इसीलिए आज के हम बच्चे भी देख सकते हैं, ना माँ बाप का आदर ना टीचर का आदर। पहले ताड़ना होती थी, इसीलिए सब सेट रहते थे। बाइबल में लिखा है ताड़ना करने से इतनी छड़ियां पड़ी हैं, हाँ, नीले हो जाते थे, फिर भी मरे नहीं, जिंदा हैं, लेकिन सही सही तरीके को सीख गए, सिद्ध होना सीख गए। हालेलुया, लिखा है तू उस छड़ी से मारकर उसके प्राण को नरक से बचाएगा। किससे बचाएगा? नरक से बचाएगा। बचपन का लाड प्यार, आज बच्चे नशों में हैं, वे विचार में हैं, बोलो फोन नहीं चलाना तो बोलते हैं फांसी ले लेंगे, ऐसी धमकी देते हैं माँ बाप को। बिगाड़ा किसने है? छड़ी नहीं उठाई। ये बाइबल कहती है तू उसका प्राण नरक से बचाएगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं यहाँ पर, आज शिमशोन ने जो गलती करी उसके कारण उसकी आंखें फूटी। समझ में आ रही है? उसकी ताकत खत्म हो गई, उसके शत्रुओं ने उसे चक्की पिसवाते थे और उसका मजाक करते थे, ओ बड़ा बनता था अपने आप को, देखा। ऐसी एक मसीह का भी मजाक उड़ाता है शैतान। जब आप लोग, हमें लगता है कि कुछ नहीं होगा, हमें लगता है मसीह है, हम दुनियावी जीवन जिए, संसारिक जीवन जिए, पाप करें, कुछ नहीं होगा। फिर आप जानते हैं जब चीजें गलत होती हैं हमारे साथ, फिर हमारा मजाक बनता है। फिर लोग कहते जानता थी ना चर्च, ते कित्थे गया तेरा प्रभु, ओ नहीं दसनगे भी साढ़े पाप साड़ी गलती तां साढ़े ते मुसीबत आई है, ओ नहीं कहनगे। ओ उल्टा पास्टर जी लोग ऐसा बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? आपने कुछ गड़बड़ करी होगी। वो नहीं बताएंगे हमने क्या किया, वो कभी नहीं बताएंगे। इसीलिए शिमशोन की गलती थी, उसको जब बताया गया है इसका रिजल्ट गलत आएगा।
दो बार धोखा दिया तब भी नहीं सुन रहा है। अब जब आंखें फूटी तब पता लगा। तो मैं आपको बता रही हूं कि जो हमारी मंजिल है, शैतान कभी नहीं चाहता हम अपनी मंजिल तक पहुंचे। वो चाहता है वो हमें बीच में नाश कर दे। मत्ती 24 उसका 12 और 13 हम वचन पढ़ेंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। क्या लिखा है? अधर्म के बढ़ने से, अंत के दिनों में अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक, बोलो जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारी शुरुआत नहीं, हमारा अंत। आपने शुरुआत कैसे की कोई मैटर नहीं करता, आपने अंत फिनिश कैसे किया प्रभु का ध्यान उस पर है। हालेलुया। हो सकता है आप 20 साल पवित्रताई में रहे, लेकिन यीशु के आने से एक हफ्ता पहले आप व्यभिचार में चले गए, तो आप व्यभिचारी ही गिने जाओगे। समझ आ रही है आपको? आप नहीं बोल सकते अरे मैं तो 20 साल पवित्रताई में रहा। 20 साल तब पवित्रताई में रहते जब वो आखिरी एक हफ्ते में भी आप पवित्रताई में रहते। हालेलुया। इसीलिए हमारे प्रभु ने कहा अपने अंत तक जो स्थिर रहेगा। आज शैतान नहीं चाहता विश्वासी लोग स्थिर रहें, विश्वासी लोग पवित्र रहें। वो हमेशा कोशिश करता है, किसी ना किसी दलीला को भेजता है आपके जीवन में ताकि वो आपके विश्वास को नाश करें, ताकि वो आपकी पवित्रताई को नाश करें, ताकि वो प्रभु के साथ चलना और प्रभु के साथ चलने की जो आदत है उसको नाश करें। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही? बाइबल में लिखा है जो धर्मी दुष्ट के कहने में आता है वो गंदले सोते के समान है। आप धर्मी हैं, आपको धर्मी की सुननी है। आप अपना कान दुष्ट व्यक्ति की ओर लगा रहे हैं, आप अपना कान गिरे हुए व्यक्ति की ओर लगा रहे हैं, आप अपना कान उसके ऊपर लगा रहे हैं, आपको लग रहा है ये सही है। आपको ध्यान देना, कोई दलीला है जो आपको गिराने के लिए आई है। लिखा जो धर्मी दुष्ट के कहने में आ जाए। आप अच्छे से चल रहे हैं, अच्छी सेवा कर रहे हैं, अच्छे से वचन पढ़ रहे हैं, सही चल रहे हैं, पर कोई व्यक्ति आके आपको, आपके मन को गंदा करने की कोशिश करे, आपके अंदर गलत चीजों को इंजेक्ट करने की कोशिश करे, आपको क्या करना है? दूर हटना है उससे। आप बहुत धर्मी हो सकते हैं, बहुत अच्छे हो सकते हैं, पर अगर आप किसी दुष्ट की सुन रहे हो, किसी अभिषिक्त के खिलाफ सुन रहे हो, प्रभु के वचन के खिलाफ सुन रहे हो, वचन को तोड़ने की चीजों को सीख रहे हो, तो आप गंदले सोते हो। अभी क्या है? बहते सोते हो। बहुतों के लिए आशीष का कारण, बरकत का कारण हो, लेकिन फिर जब आप उसकी बातों में आकर वो अपनी चीजों को छोड़ देते हो तो गंदला सोता बन जाते हो। हालेलुया। और गंदले सोता काम आता है? कोई पीने के काम आता है? हालेलुया। इसलिए अगर आप धर्मी हैं, किसी दुष्ट की बातों में मत आएं, क्योंकि शैतान, बताया था ना संडे को अभिषेक ने, बोले मच्छर जो होता है वो क्या करता है, एक की बॉडी से खून लेता है, फिर वो दूसरे की बॉडी में इंजेक्ट करता है, तीसरे की बॉडी में। अभी डेंगू कैसे फैलता है? हाँ, ऐसे ही फैलता है। वो मच्छर एक को काटता है, उसके ब्लड दूसरे के ब्लड में, दूसरे का तीसरे के ब्लड में, तो वो क्या होता है, बीमारी फैल जाती है। तो इसी तरह जो दुष्ट होता है वो अपनी दुष्टता को एक के अंदर डालता है, वो दूसरे के अंदर डालते वही बातें, वो बातें तीसरे के अंदर डालते हैं, और वो क्या कहते हैं, बीमारी कईयों को लग जाती है। इसीलिए दुष्ट की बातों को विश्वास नहीं करना। अभी आप सोचो, एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति से प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं आप, उनकी आपस की बातचीत है,
आपस का लेना देना उनका। अभी वो व्यक्ति क्या कर रहा है, तीन जगह पे जाके अपनी बात को बता रहा है, जिससे तुम्हें कुछ लेना नहीं है, उसे कुछ लेना नहीं है, उसे कुछ लेना नहीं है, समझ रहे। और वो अपनी बात को कभी भी, कोई भी व्यक्ति जब अपनी बात किसी को बताएगा तो वो हमेशा खुद राइट होगा और वो दूसरों को गलत बना के पेश करेगा। समझ आ रही है, कितनों समझ में आ रहा है। वो व्यक्ति कभी भी अपनी बातों को नहीं बताएगा आपको, वो अपने को सही पेश करेगा और दूसरे को गलत ठहराएगा। और आपके अंदर क्या होगा, वो तीसरे वाले व्यक्ति की छाप ऐसी होगी, हाय इसके साथ ऐसा करा, उसने अपनी बात नहीं बताई लेकिन उसने सामने वाले को गलत ठहरा दिया। और आपके अंदर भी क्या हुआ, वो जहर छोड़ दिया। अब आप वो उस व्यक्ति का जिसका तुम्हें लेना देना ही नहीं है, उस व्यक्ति के लिए तुम गलत सोचना शुरू हो गई और तुमने क्या किया, अपने मन में उसके प्रति कुड़कुड़ाना। अब तुम तीसरे के बाद, तेरे को पता है उसके साथ क्या हुआ, उन्होंने उसके साथ क्या किया, आपको समझ आ रही है। अब उसके अंदर इंजेक्ट हो गया, अब वो कहीं और जाके इंजेक्ट करेगी तो क्या हो गया, सारे धर्मी जो लोग हैं वो गंदा सोता बन गए। पहले वो सब अच्छे से काम कर रहे थे पर एक गंदे मच्छर ने काट के वो खून, वो अपनी गंदगी सबके अंदर इंजेक्ट कर दी और सब जन उस दुष्ट की बातों में आकर गंदला सोता हो गए। हालेलुया। जब ऐसी चीजें आपके साथ हो, आपको कोई व्यक्ति और आपकी आत्मा डिस्टर्ब हो रही है, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा इस व्यक्ति के साथ बैठ के, इसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है, आपने उस व्यक्ति को बोला चुप कर, बोलो मैं क्या कर सकती हूँ उस चीज़ में, तू वो व्यक्ति करेगा तू करेगा, तेरी प्रॉब्लम है ये उसके साथ, मैं तो मेरा तो कोई रोल ही नहीं है और मैं कुछ कर भी नहीं सकता इस चीज़ में, तो प्लीज़ मुझे बताइए मत, मुझे क्यों सरदर्दी, मैं मेरे को क्या लेना इस चीज़ से, मेरा सही चल रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रही है आपको। बाइबल में लिखा अंत के दिनों में चौकस रहो क्या सुनते हो, क्योंकि सुनने के द्वारा चीजें अंदर जाती हैं और जब अंदर जाती है वही तुम्हारे मुंह से बाहर आती हैं। इसलिए अंदर क्या स्टोर करते हो बहुत ध्यान देना है आपको। हालेलुया। तो अगर आपकी आत्मा कुछ चीजों से डिस्टर्ब होती है उसी समय उस व्यक्ति का मुंह बंद करें। हालेलुया। अभी सोचो अगर शिमशोन दलीला की बातों पे मन ना लगाता तो क्या उसकी आंखें फूटती, क्या वो जेल में जाता। समझ आ रही है आपको। आप अपनी दलीला जो आपको गिराने के लिए आई अगर ध्यान लगा रहे, कुछ लोग ना कुत्तों के समान होते हैं, उनको ना सूंग सांग करने की बड़ी आदत होती है, इधर सूंग रहे, इधर क्या हो रहा है, ओ इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, कुत्तों की तरह सूंघते रहेंगे कहाँ पे क्या हो रहा है। गंदगी रखने की आदत है अंदर ना, तो उनको जहां पे गंदगी है वो अंदर लेते हैं। समझ आ रही है आपको। भेड़ हमेशा जब जाएगी ना वो गंदगी के पास नहीं जाएगी, साइड से निकलेगी वो। अगर आप एक भेड़ हैं, यीशु मसीह ने हमें क्या बनाया, कुत्ता के भेड़ बनाया है, भेड़ गंदगी से बचेगी, कुत्ता हमेशा गंदगी में जाएगा। कहां क्या हो रहा है भाई मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ वचन पे ध्यान। अभी आप जानते हैं मेरा ध्यान क्या होता है, वचन क्या कह रहा है, संसार में कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं और वचन से कौन सी मेल खा रही हैं, यीशु के आने में कितना समय है, कौन कौन से चिन्ह पूरे हो रहे हैं, मेरा हमेशा इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रहता है ताकि वो चीज़ों को मैं बता सकूं आपको कि हमें कितना तैयारी करने की ज़रूरत है, हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। आपको पता है लोग आज प्रॉब्लम में क्यों हैं, 10 जगह जहां पे उनकी जरूरत नहीं है वो बिना मतलब के खड़े हैं, 10 जगह जिन बातों की आपको बात करने की भी जरूरत नहीं है, आप आधे से ज्यादा समय उन बातों में बिताते हो जिनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए गंदगी हमेशा हमारे अंदर रहती है। हालेलुया। छोड़ो मुझे क्या करना, वो 400 किलोमीटर बंदा बैठा है उसकी प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं, मदद नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता मैं उसके लिए, पर क्या कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, दिमाग खराब कर रहा हूं। आप प्रेयर कर दो 10 मिनट उसके लिए कि प्रभु जो उसकी सिचुएशन सही कर दे, उस पर दया कर दे, सब कुछ ही ठीक हो जाएगा। पर आप क्या कर रहे हो, वहां से ले रहे हो 10 जगह और पहुंचा रहे हो।
आप एक प्रॉब्लम बांटने का स्रोत बन जाते हो। हालेलुया। इसीलिए फालतू बातों से निकलो बाहर, ताका झाकी करनी बंद करो। किसी के घर में क्या हो रहा है तुम्हें कोई मतलब नहीं। अगर पता लगता है कोई प्रॉब्लम है किसी के घर में, तो बैठ के 10 मिनट उसको ज्यादा ही प्यार उमड़ रहा है तो दुआ कर दो उसके लिए। बाकी जज मत बनो किसी के, फैसले मत करो किसी के, बिना बुलाए बिना मांगे सलाम मत दो किसी को। हालेलुया। तो हम आज बात कर रहे थे डेस्टिनी डिस्ट्रॉयर की। शैतान आपकी मंजिल को नाश करना चाहता है, और उसने शिमशोन को भी गिराने की कोशिश की, उसकी आंखें फोड़ दी, दलीला को भेजा। सेम आज आपकी ताकत कहाँ छुपी है, शैतान उसी चीज पे अटैक करेगा। हालेलुया। अभी हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं। यूसुफ को प्रभु ने दर्शन दिया कि एक दिन आएगा जब तेरे सारे भाई तेरे आगे झुकेंगे, यहाँ तक कि तेरे माता पिता भी तेरे आगे झुकेंगे। और जब उसके दर्शन का उसके भाइयों को पता चला तो उन्होंने उसको गड्ढे में गेर दिया, फिर गड्ढे में से निकाल के उसने गुलाम बना के बेच दिया उसको। और अब क्या था, ये दर्शन तो पूरा होना था, लेकिन उस दर्शन को पूरा होने में रोल सबसे ज्यादा किसका था, यूसुफ का। यूसुफ को प्रभु की बात पे विश्वास करके पवित्र जीवन जीना था। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे लिए ये भविष्यवाणी हुई, पास्टर जी आपको पता नहीं 10 पास्टरों ने मेरे लिए भविष्यवाणियां करी हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। कितने साल, बोले 10 साल हो गए, 10 साल पहले। अभी क्या कर रहे हो, बोले भविष्यवाणी पूरी होने का वेट कर रहे हैं। हालेलुया। समझ आ रही है आपको, अभी पाप में है, कुछ नहीं कर रहे, बैठे हैं। यूसुफ जहां भी जाता था, बाइबल में लिखा है, वो मेहनत करता था, वो वफादार रहता था, वो पाप से दूर रहता था। इसीलिए उसके जीवन में वो बात पूरी हुई जो प्रभु ने उसको दिखाई थी। हालेलुया। आज आपका ध्यान पवित्रताई में चलने में नहीं है, आपका ध्यान प्रभु की ओर, उस दर्शन को आप पकड़े हुए नहीं है। आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं, आप सब वो चीजें कर रहे हैं जो वचन से बाहर है, और आप सोच रहे हैं आपके जीवन में ये भविष्यवाणी पूरी होगी। आप धोखे में जी रहे हैं। हालेलुया। वो जब होगा होगा, हमें आज अपने काम को पूरा करना। आज क्या प्रभु ने मेरे को जिम्मेवारी दी है, आज कौन सी सेवा प्रभु ने मुझे सौंपी है, आज पवित्र आत्मा मुझे क्या करने के लिए कह रहा है। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही। अगर आपको छत पे पहुंचना है और सीढ़ी लगी है तो आप डायरेक्ट छत पे पहुंच जाओगे, हाँ? आप बोलो कि नहीं मुझे छत पे जाना है, मैं कूद के चला जाऊं। आपको निचली सीढ़ी से ही शुरू करके दूसरी तीसरी चौथी, आपको उन सीढ़ियों को लास्ट सीढ़ी पे चढ़ के आप छत पे पहुंचोगे। अगर आप सोच रहे थे हाँ जी मैं तो जाना है जाना है जाना है, जाना तो है पता है, पर चढ़ना तो पड़ेगा, आज वो नीचे से सीढ़ी से चढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं है, सब छत पे पहुंचने के लिए तैयार है। हालेलुया। हमें अपनी मंजिल पे पहुंचना है। प्रभु ने कहा जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, पेशेंस रखेगा, मुझे पता है प्रभु लेके जा रहा है, उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। तो यूसुफ अंत तक, झूठे इल्जाम लगे उसके ऊपर, पाप करके लोग जेल जाते हैं, वो बिना पाप करे जेल गया, फिर भी प्रभु का अनुग्रह उस पर बना रहा। और एक समय आया जब एक ही दिन में वो उस देश का, मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया गया। मेहनत कितने सालों की थी, 30 सालों की। 30 साल वो बैठा नहीं रहा, 30 साल वो मेहनत करता रहा, वफादारी से अपनी पवित्रताई का ख्याल रखा, प्रभु के वचन को थामे रखा, और 30 साल बाद एक ही दिन में वो प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया।
आपको आपकी मंजिल तक पहुंचना है। प्रभु ने कहा अंत तक धीरज धरे रहो, प्रभु का मार्ग कठिन है, हालेलुया, लेकिन जो उस पे चलते हैं वो बहुतों के लिए एक एग्जाम्पल, एक आदर्श बन जाते हैं, हालेलुया, वो बहुतों का अगुवा बन जाते हैं, वो बहुतों के लीडर बन जाते हैं, बहुतों के लिए एक आदर्श बन जाते हैं जो उस पे चलते हैं, हालेलुया। आज हमें अपने जीवन में उस मंजिल को पाने के लिए उन शैतानी ऑल्टर को तोड़ना पड़ेगा अपनी लाइफ से, जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अभी भी बने हुए हैं। वो पाप की आदतें, वो चुगली की आदतें, वो झूठ की आदतें, वो धोखे की, रिश्वत की, नशों की, गाली देने की, पियक्कड़पन की आदतें, वो ऑल्टर जो शैतानी हैं। बाइबल में लिखा है जब राहेल और लिया, जो इब्राहिम था, इब्राहिम का जो बेटा था इसाक, इसाक का बेटा था याकूब, और याकूब के जो दो पत्नियां थी उसकी, एक का नाम राहेल था और एक का नाम लिया था। लिया याकूब की नज़र में अप्रिय थी और वो राहेल से ज़्यादा प्रेम करता था। और बाइबल में लिखा है जब वो 20 साल बाद राहेल और लिया के घर से निकला अपने पिता के घर को, तो जो राहेल थी उसने, उसका जो पिता था वो मूर्ति पूजक था, और उसने क्या किया, अपने पिता की मूर्तियों को चुरा लिया, हालेलुया। अब वो जा कहाँ रही है, जीवित परमेश्वर के पास, पर उसने क्या किया, वो मूर्तियां चुरा कर उसने अपने पास रख ली। और जब उसके पिता को पता चला कि मूर्तियां चोरी हो गई हैं, तो वो गया और उसने सारी तलाशी ली, पर लिखा है राहेल ऊंट पर बैठी थी और उसने ऊंट की काठी में वो मूर्तियां छुपा ली और अपने पिता को बोला कि मैं इस समय बीमार हूं और मैं उठ नहीं सकती, और वो मूर्तियां लेकर चली गई। कितनों को समझ में आ रहे हैं? कई बार हम जानबूझ के उन शैतानी ऑल्टर्स को, उन वेदियों को अपनी लाइफ में रखते हैं, और बाइबल में लिखा है कि राहेल बांझ थी, उसके कोई भी बच्चा नहीं था। कितनों को समझ में आ रही? क्योंकि उसके जीवन में एक शैतानी ऑल्टर था जिसे उसने निकाला नहीं था अपने जीवन से, हालेलुया। बहुत सारे लोग आज मसीह में चल रहे हैं लेकिन कोई ना कोई शैतानी ऑल्टर, शैतानी वेदी उसके जीवन में जगह बनाए हुए है। इसलिए हम कई बार आशीषों से, बरकतों से बांझ रहते हैं, हालेलुया। और शैतान कभी नहीं चाहता कि हम वो पाएं जो प्रभु ने हमारे लिए रखा, इसीलिए हमें उन शैतानी ऑल्टर को अपने जीवन से निकालना है, ताकि हम परमेश्वर की रखी हुई आशीष को, उसकी रखी हुई मंजिल को पा सके। कितनों को समझ में आ रही है? लिया जो अप्रिय थी, उसके 6 बेटे हुए, वो लेकिन वो बांझ थी। जब तक उसने प्रभु को नहीं पुकारा तब तक उसकी कोख नहीं खुली। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में शैतानी वेदियां, शैतानी ऑल्टर हैं, और मैं आपको बता रही हूं जब तक वो टूटेंगे नहीं आपका बांझपन दूर नहीं होगा। कितनों को समझ में आ रही है? इसीलिए छोटे छोटे समझौते करना, छोटी छोटी बातों में जब आप करने लगते हो तो शैतान समझ लो आपकी मंजिल को डिस्ट्रॉय करने जा रहा है और आपको बड़ी दुविधा में और बड़ी परीक्षा में डालने जा रहा है, जब आप छोटी छोटी बातों में वफादार नहीं रहते, समझौता करने लगते हो। कोई बात नहीं, आज संडे चर्च नहीं जाते, कोई बात नहीं, आज प्रभु भोज है, कोई बात नहीं। छोटी छोटी बातों में हम लोग वफादार नहीं रहते, इसका समझ लो शैतान बड़ी परीक्षा लेके आने वाला है। आज आप छोटी बातों को अगर हाँ कर रहे हो तो कल को बड़ी में ऐसा फंसाएगा कि आपकी मजबूरी बन जाएगी हाँ करना।
इसीलिए छोटी बातों में वफादार रहो, ना करना सीखो। हालेलुया।